हेलो जय श्री कृष्णा। और कैसा रहा आज का दिन आप सभी लोगों का? उम्मीद है आप लोगों ने छठी मनाई होगी लॉर्ड कृष्णा की और खूब इंजॉय किया होगा। इस बार दो जन्माष्टमी होने की वजह से कल भी कुछ लोग जो हैं छठी मना रहे हैं, तो जो कल छठ मनाएंगे लॉर्ड कृष्णा की तो वो आज तैयारी कर रहे होंगे धूमधाम से। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू लॉर्ड कृष्णा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वास्तु पे। जैसे कि पहले भी मैंने कई वास्तु की वीडियोज़ डाले हैं, तो उसमें मैंने बताया है आपको कि किस तरह की भूमि होनी चाहिए, किस शेप की होनी चाहिए, और एक वीडियो में यह भी बताया कि किस शेप की भूमि किस तरह से जो है, किस ग्रह से जो है वह प्रभावित होती है, वह भी मैंने बताया था। और फिर तरह तरह के जो हैं जो दोष होते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो गए या साउथ ईस्ट में हो गए, वह भी मैंने बताए, और उनकी कई तरह की इको फ्रेंडली रेमेडीज़ भी मैंने बताई। तो जो लोग मेरा वीडियोज़ देखते हैं, तो आप जैसा देखते होंगे कि मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ में कोशिश होती है कि जो वीडियोज़ हैं वो किसी कंसेप्ट पे हों और उसमें कोई फैक्ट्स हों और उसमें कोई ना कोई डेटा या ऐसे इस तरह से हों, रेमेडीज़ अवेलेबल हों। तो एक ये दो बैनामे थे जो मेरे नोटिस में आए, तो इनका मैं आज आपको जो है कितने फीट और कितने इंच हैं तो वह मैं बता देना चाहती हूँ। मुझे लगा कि यह ज़रूरी है, उससे आप बिल्कुल सही तरीके से समझ जाएंगे कि जो भूमि है उसका किस तरह से नुकसान होता है, और ये देख करके प्लॉट को कि हाँ आपको समझ आएगा कि हाँ क्या मतलब होता है कि जैसे साउथ ईस्ट में आगे बढ़ा हुआ है या नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ा हुआ है या साउथ वेस्ट में आगे बढ़ा हुआ प्लॉट है, तो वह लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज का ये मेरे पास बहुत अच्छा डेटा है, तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत लोग आप लोग लाभान्वित होंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये दो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, प्लॉट ऐसे जा रहा है। तो ये कितनी है, 62 फीट और 4 इंचेस, ये है यहाँ पे चौड़ाई है। और फिर ये इधर जो है ये 60 फीट और 5 इंच, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना, 62.4, और ये यहाँ पे 60.5 इंच, 60 फीट एंड 5 इंच। और उसके बाद में ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है, और ये यहाँ पे जो है ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इसी के साथ में एक दूसरा प्लॉट है जो कि आप देख सकते हैं, उसमें भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे 60 फीट और 5 इंचेस, और जो नीचे भूमि है वो 62 फीट और 0.3 इंच है। ऊपर क्या था, 62.4 इंच था ऊपर वाले प्लॉट का जो कि ईस्ट फेसिंग था, और उसका वेस्ट में जो है जो डिस्टेंस खत्म हो रही है वो हो रही है 59 फीट एंड 4 इंचेस। तो आप देखिए कि कितना फर्क है, कहाँ पे 62 है फीट है और 4 इंचेस हैं, और नीचे जब वो प्लॉट खत्म हो रहा है तो कितना हो रहा है, 59 फीट हो जा रहे हैं। मतलब कि आप देखिए कि सीधे सीधे 3 फीट कम हो गया, ठीक है ना। एक तो चौड़ाई में कितना फर्क आ गया आप खुद देखिए, और 59.4 इंचेस, ठीक है। ये जो है इसकी, ये प्लॉट आप देख सकते हैं, मैं लाइन खींच दे रही हूँ अभी सीधे, पहले मैंने डॉटेड लाइन से बनाया था, ये इस तरह से है, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया, इस तरह से ये जो है यहाँ पे घट गया। अब आप देखिए जब हम यहाँ से सीधे लाइन खींचते हैं तो ये यहाँ से जो है ये इस तरह से जाएगा, जब ये जो दूसरा प्लॉट नीचे हो गया, कम हो गया उसका वेस्ट में, तो ये ऐसे बन गया। तो आप देखिए कि ये जो पॉइंट है ये कट गया। अब ये था ईस्ट और ये है नॉर्थ, तो ये कौन सा कॉर्नर हो गया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका प्लॉट कट गया, घट गया, कम हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस प्लॉट में यहाँ पे जो है ये 60 फीट 0.5 इंचेस लंबाई, जबकि जो प्लॉट है, जैसा आपने पहले मेरी कोई वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि जो लंबाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए प्लॉट की, और चौड़ाई के माफिक कम होना चाहिए। अब यहाँ पे 60.5 तो जो है लंबाई है, और प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 62.4 है, तो ये अपने आप में एक जो है नेगेटिव पॉइंट है, इसकी जो प्लॉट की जो वो है इसमें कमी है। सेकेंडली, उसके बाद में आप जब नीचे देखते हैं तो जो दूसरा प्लॉट है इसके साथ में, वह भी आप देखिए जो लास्ट में वो हो रहा है वो 62.3 हो रहा है, तो इस वाले दूसरे प्लॉट का जो ईस्ट बना वो कितना बना, 59.4 बना, और जो इसका वेस्ट बन गया वो बन गया 62.3 बन गया, 62 फीट एंड 3 इंचेस। तो आप खुद देखिए कि ये ऊपर से चौड़ा है और नीचे से जो है जो इसका ईस्ट है वह कम हो गया और जो वेस्ट है वो बढ़ गया। नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में ये जो है बढ़ गया, ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने जो है गड्ढा भी बना रखा है, वो भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद में
अगर आप इनको पूरा देखते हैं, कंबाइंड अगर आप देख लें, वैसे इनके दोनों के नंबर अलग अलग हैं, इसका नंबर 105 है और इसका नंबर 104 है, ठीक है। और जो दोनों का जो कैलकुलेशन है वो दोनों का देखिए, 3653 वर्ग फीट, ठीक है, इसका भी इतना ही है, 3653 वर्ग फीट, ठीक है, और 339.49 वर्ग मीटर, 339.49 वर्ग मीटर, और इसका भी इतना ही है, 339.49 वर्ग मीटर। मतलब देखिए आप तो कैलकुलेशन में दोनों जो हैं बिल्कुल बराबर के हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फर्क है, क्योंकि यहाँ पे जो है 62.4 है इसकी बताई गई है, और जो मेजरमेंट करा गया है वो 62.3 इसका वेस्ट साइज में, तो कुछ तो कैलकुलेशन में फर्क आएगा ना, तो पहले तो आप ये देखें। और दूसरी बात ये देखें कि ये जो है हाउस है, ये आप देख सकते हैं दोनों प्लॉट मिले हुए हैं और इनके ऊपर कंबाइंड हाउस बना हुआ है, और ये एड रोड आ रही है, ये आप देख सकते हैं 20 फीट ब्रॉड जो है ये सड़क आ रही है, और सड़क इस पे आके मकान पे खत्म हो जा रही है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल एक ये कॉमन नॉलेज की बात है, जैसे कहते हैं कि लेमेंस नॉलेज, आजकल ये लेमेंस डोमेन में है, लोग सभी जानते हैं, कॉमन नॉलेज है, एक जनरल है कि जो गली के एंड का मकान है वह शुभ नहीं माना जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी अशुभता इसमें यही है कि ये गली यहाँ पे समाप्त हो रही है, 20 फुट चौड़ी जो रोड है वो खत्म हो रही है। दूसरी बात में यहाँ पे क्या है, पीछे जो है, ठीक पीछे जो है एक और जो है रोड जा रही है जो कि साउथ में है, तो साउथ में यहाँ पे जो है इनके दो दरवाजे हैं साउथ, इन्होंने यहाँ पे एक आंगन में ये शटर डाला हुआ है आंगन में, और एक यहाँ पर भी इन्होंने गेट लगाया हुआ है, तो साउथ में भी इन्होंने दो ओपनिंग्स रखी हुई हैं, वो भी एक अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद जब आप देखते हैं तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो मकान और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये कट रहा है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर इन्होंने एक जो है नॉर्थ ईस्ट में हैंड पंप लगाया हुआ है जिसमें कि मोटर लगी हुई है, ठीक है। अब अपने आप से वैसे देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में वह एक मोटर लगी हुई है तो पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, वो अपने आप में जो हैंड पंप लगा हुआ है वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो मोटर, अक्सर आजकल एक चलन आ गया है कि हैंडपंप के ऊपर मोटर लगा दी जाती है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। हैंडपंप नॉर्थ ईस्ट में होना पॉजिटिव है, दैट इज़ अ पॉजिटिव, लेकिन जब आपने उसके ऊपर मोटर लगा दी और वो आप स्विच ऑन करते हैं और पानी जो है आपका ऊपर टंकी में भर जाता है, तो वो एक अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके ये दो प्लॉट बन गए। अब आप अगर इसके कंबाइंड देखते हैं तो आप देखिए कि कैसी शक्ल बनी। आप देखिए, अब ये कंबाइंड में अगर आप देखते हैं तो देखिए ये ऐसे बन गया, सीधा चला गया, बिल्कुल सीधा चला गया, और उसके बाद में ये जो है ऐसे करके और ये ऐसे करके ये प्लॉट, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि इसे आप, कुछ लोग इसे जो है शेरमुखी कहेंगे, जैसे कि शेर का मुंह खुला हुआ रहता है, तो ये खुला हुआ है, शेरमुखी प्लॉट कह दिया जाएगा, वह भी शुभ नहीं होता मकान के लिए। शेरमुखी प्लॉट जो होता है वो आपके किसी भी तरह के कार्य करने के लिए, अगर आपका ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, उसके लिए शुभ माना जाता है, कोई दुकान है, शॉप है, तो उसके लिए, व्यवसाय के लिए शेरमुखी जो है शुभ माना जाता है, लेकिन रहने के लिए शेरमुखी प्लॉट जो है वह शुभ नहीं माना जाता है। उसके बाद में क्या है, जो यहाँ पे मकान बना हुआ है, आप ये देखिए कि मकान कैसे बना हुआ है। अब मकान कैसे बना हुआ है, मकान ऐसे बना हुआ है, इसमें यहाँ से एक एंट्री है, आप देख सकते हैं जो दरवाजा है, और ये मकान ऐसे जा रहा है, और यहाँ जाने के बाद में उसके बाद ये ऐसे चला जाता है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से बढ़ा हुआ है। अब बताइए, अब ये जो बढ़ गया है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे ये मकान की क्या शेप बन गई, यहाँ पे ये गैराज है, ठीक है, और इसके साथ में एक और रूम है, यहाँ पे ये पोर्च आ गई, एक यहाँ पे भी दरवाजा है, ठीक है, चौगाट लगी हुई है, दरवाजा है, यहाँ से भी एंट्री है ड्राॅइंग रूम के अंदर में, तो ये जो रूम बन गया और यहाँ पे ये गैराज है, तो आप देखिए कि ये हिस्सा बढ़ गया, तो ये कौन सा कॉर्नर बन गया, ये आपका बन गया साउथ एंड वेस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये जो कॉर्नर बन गया ये साउथ वेस्ट बन गया। अब आप देख सकते हैं कि जो मकान है वो साउथ वेस्ट में बढ़ा हुआ है, तो यह भी एक शुभता का जो है इंगित नहीं करता है, शुभता का नहीं है मकान, ऐसा जो मकान है वो आप शुभ नहीं मान सकते। तो अब हम जब बात करते हैं कि शुभ और अशुभ की, या भूमि जो है शुभ और अशुभ है, तो उसमें क्या अशुभता रहेगी या शुभता रहेगी, तो उसमें मतलब हमारा कहने का क्या मतलब है, सामाजिक तौर पे क्या चीज़ हम उसको लेकर के चलेंगे, तो उसमें दो तीन पॉइंट्स ही मेन जैसे रहते हैं, कि जैसे कि परिवार के लोगों में आपस में अच्छा रिलेशनशिप ना रहना, आपस में लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है,
और या फिर इस प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है, या फिर जो घर में रहने वाले लोग हैं वो जो है डिप्रेशन में हैं या साइकोलॉजिकली इल है या इस तरह से जो उनको डिप्रेशन में है और तरह की बीमारियां हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे जो है खराब होना और यहाँ पे धन का वेस्टेज होना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साउथ वेस्ट में जो है इन्होंने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में जो है गड्ढा भी बना रखा था जहाँ पे कूड़ा वगैरह था, और उसके बाद में इन्होंने इसको जो है हटा करके बंद कर दिया गया और यहाँ पे प्लांटेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये था, दो प्लॉट्स हैं तो जो मैंने आपको दिखाना चाहा। अब आपको समझने की ये ज़रूरत है कि इसमें कितनी नेगेटिविटीज़ हैं और एक्चुअल में इस मकान के ऊपर बहुत झगड़े हैं, ठीक है, कई तरह के कोर्ट केसेस हैं। अब बात कर लेते हैं, अब मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर लेती हूँ, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी को। ये तो मैंने आपको वास्तु के हिसाब से बता दिया, सामाजिक पहलू बता दिया कि ये मकान का बता दिया, अब मैं बात कर लेती हूँ न्यूमरोलॉजी की कि जिस दिन जो है इन दोनों प्लॉट्स का बैनामा हुआ, पहले बैनामा हुआ, बैनामा किस तारीख को हुआ, बैनामा हुआ है 4 जनवरी 1994, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी में आप देखिए 4 जनवरी 1994 तो क्या हो रहा है, 2 बार 4 2 बार 9 2 बार 1, मतलब क्या, राहु। राहु का मतलब क्या कि कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ छल, धोखा किसी के साथ हुआ, ठीक है। और 9 नंबर 2 बार है मंगल, मतलब क्या कि झगड़ा टंटा होगा, झगड़ा पड़ेगा, ठीक है। दूसरा 2 बार नंबर सन का, 1 नंबर सूर्य, इसका मतलब झगड़ा कोर्ट कचहरी तक जाएगा और वो गया भी और ये है भी झगड़ा, ठीक है। अब देखिए पार्टीशन का केस ऑलरेडी कोर्ट में है। अब देखिए दूसरी बात, अब जब टोटल इसको अगर आप करते हैं 4/1/1994 को तो टोटल बन जा रहा है 28, वह भी बन जा रहा है 10 नंबर, 10 नंबर का मतलब 1 नंबर मतलब सूर्य। फिर से वहां देखिए कि सूर्य जो है राज दरबार जो है बीच में आया, कोर्ट कचहरी बीच में आ गई। अब आइए आगे बात करते हैं। अब ये 1994 में बयाने हुए, मकान बना था, सकुशल था, सब कुछ अच्छा था, और एक बार जो है इसमें जो है अगर आप देखते हैं तो ये नंबर जो है 18 नंबर बनेगा एक कॉम्बिनेशन पे, जो कि 1 और 8 जो है वो बन जा रहा है 9, ठीक है। तो 9 दैट इज अगेन जो है मंगल बन गया। तो इस तरह से आप देखें कि इस नंबर में बैनामे की जो डेट है उसके नंबर में बार बार जो है 1 और 9 आ रहा है, 9 है मंगल, तो मंगल प्रभावी होने पे ये। और जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, जैसे कि ये बना हुआ है तो ये अपने आप में ही दिखा रहा है कि यह जो इसकी शेप है, आप इसको इस तरह से देखें तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है, एक हल्का सा आप एस्टिमेट लगाएं तो ये एक तबले का फॉर्म लगा रहा है, जैसे कि तबला होता है ऊपर से तबला चौड़ा होता है और नीचे से पतला होता है, ठीक है ना, एक तबले का जो अगर आप आकार देखते हैं तो उस तरह से, तो ये कुछ उस तरह से लग रहा है। और दूसरी तरह से अगर आप देखते हैं जब पूरे प्लॉट को आप देखते हैं तो ये जो लाल किताब में जो केतु के लिए जो एक रिप्रेजेंट किया जाता है जो सिंबल, वो सिंबल एक बन रहा है, एक तरह से फ्लैग टाइप का जो है बन रहा है, और ये यहाँ पे ये अंदर भी चला जा रहा है। तो और सारी नेगेटिविटीज मैंने आपको बता ही दी। तो अब ये क्या है कि दो पुत्रों के नाम पे, दोनों बेटों के नाम पे जो है, जो इनिशियल था वो ऐसा था कि ये जो फर्स्ट है ये बड़े बेटे पुत्र का है और बाद में दूसरा वाला जो है छोटे पुत्र का है, लेकिन फिर घर की महिलाओं के मन में खोट आया और ये छल हुआ, धोखा हुआ कि पिता को बिना बताए जो है 4 जनवरी 1994 को बड़े पुत्र की शादी होने से ठीक 1 महीना पहले, फरवरी में उसकी शादी है और पिता जो है उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो बेड रिडन है, उनको नहीं बताया जाता है और घर की महिलाएं दोबारा से जो है इनको बैनामे फटाफट करवा लेती हैं और चुपचाप बैठ जाती हैं और उस बैनामे में वो जो छल कर देती हैं और जो जिस प्लॉट पे मकान बन रहा है वो छोटे के नाम पे कर दिया जाता है और बड़ा जो है वो खाली कर दिया जाता है और आगे उसमें ये इस तरह से बना हुआ है। चलिए खैर कोई बात नहीं, सकुशल था जब तक जो सूर्य जो पिता जब तक जिंदा थे तब तक बड़ा बेटा घर में बहू आ रहे थे जा रहे थे रह रहे थे, सब कुछ सकुशल था, हंसते बोलते थे। लेकिन गड़बड़ कहाँ से होना शुरू किया, 15 जून 1997, अब लगाइए 15 जून 1997 यहां पर घर की जो बेटी है उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी के बाद से जो है जो उन्होंने पहले छलबल किया हुआ था वो मुखर रूप धीरे धीरे लेना शुरू कर देता है, ठीक है।
ये सब चल रहा है। अब 99 में जो पिता हैं वो बड़े पुत्र को इशारा कर देते हैं और बोल देते हैं कि भाई जो आने वाला जो दामाद है घर का वह व्यक्ति ठीक नहीं है, और अगर कुछ मुझे हो जाता है तो तुम इस प्रॉपर्टी को तुम्हें बचाना है और तुम्हें देखना है, ठीक है। और अगर मेरे मरने की, और इतनी बड़ी बात भी बोल देते हैं पिता बड़े बेटे बहू को कि अगर तुम्हें जो है मेरे मरने की खबर ना दी जाए तो आप एक महीने के अंदर तुरंत से लीगल नोटिस डाल देना और इस प्रॉपर्टी को बचा लेना, क्योंकि जो घर का जो दामाद है उसकी नीयत खराब है, ठीक, ये प्रॉपर्टी के ऊपर। अब देखिए झगड़ा किधर से किधर को जा रहा है आप स्वयं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे वास्तु और न्यूमरोलॉजी पर लिमिटेड रहेंगे। अब जो बात रही कि जो कहा मंगल, अब देखिए जो मंगल है वह करेगा और जो शनि है, एक बार जो कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं तो 8 नंबर भी आता है, तो शनि और मंगल मिल करके जो है न्याय तो करेंगे, झगड़ा तो फैलेगा, जब और झगड़ा भी तब जब होता ही है कि जब पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उस पर और चालाकी हुई और छलबल हुआ कि पिता की मृत्यु होने पर बड़े पुत्र को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, जिसकी कि आप पहले वीडियोस देख चुके हैं कि किस तरह से जो है RTI के अंतर्गत निकाला गया, फोन कॉल लेने की कोशिश कर गई, मतलब पूरा छलबल चल रहा है, फुल स्विंग में चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा जो मैं नंबर बताने जा रही हूँ, अब जो है जो सेकंड है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को, उसका रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि भैया मैं अब जो तेरे को न्याय करवाता हूं और मैं लेटर डालता हूं, तो उसने लेटर डाला 28/4/2007 को RTI एंथ के अंतर्गत। अब देखिए शनिदेव ने क्या लाठी चलाई अपनी, कहां से न्याय निकाला कि हमारे देश में जो कभी सोच नहीं सकता था एक RTI एक्ट आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब बड़े पुत्र के पास बेचारा नौकरी करे, अपना घर गृहस्थी चलाए, वो कहाँ जो है कोर्ट कचहरी करता घूमेगा, जब 2006 में उसके पिता की मृत्यु हुई 10 जनवरी को, नहीं बुलाया गया तो बेचारा गया रिश्तेदारों के पास, गया फूफा के पास, गया मामा के पास, गया सबने कहा भैया हमें भी नहीं बुलाया गया था, हमें भी नहीं पता तेरी माँ ने क्या किया ना। और तब जो है रिश्तेदारों ने दबी जबान में बोल दिया कि भैया सौतेली है तो कभी तो रंग दिखाएगी। अब बताइए इस उम्र में जा करके पुत्र को पता चल रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद में जो जाता है RTI अंतर्गत जो लेटर गया, उस लेटर को आप देखिए, उसकी न्यूमरोलॉजी हम स्टडी करते हैं। 28/4/2007 पहली बात, साल जो है 2007, उसमें क्या है इस पूरी डेट में देखिए 28/4/2007 दो बार दो नंबर, क्या चंद्रमा। तो जिसने लेटर डाला है RTI के अंतर्गत, मांगी है रिकॉर्ड कि भैया मेरी प्रॉपर्टी है मुझे इसके कागज दे दिए जाएं, और जो कि बैनामा उसको मिला भी, मैंने पिछले आपको दिखाया भी तो बैनामा मिल जाता है, तो उसने डाला कि भैया मुझे बैनामा दिया जाए। तो मतलब जिसने चिट्ठी डाली उसका मन बहुत स्ट्रांग है, दो बार चंद्रमा दो नंबर। उसके बाद में साल को आप देखिए 2007, 7/2/9 मंगल। मंगल क्या, बल पराक्रम, और पराक्रम का यूज उस इंसान ने कैसे किया, उसने कोई अस्त्र नहीं चलाया, कोई शस्त्र नहीं चलाया, कोई तलवार नहीं चलाई, कोई झगड़ा टंटा नहीं किया, अपनी जवान का भी अस्त्र उसने नहीं चलाया, गली गलौज झगड़ा टंटा भी नहीं किया, क्या किया उसने अपनी पेन चलाई। उसका शस्त्र क्या है, पेन, लेखनी, कलम, तो क्या हुआ मंगल। 2009-2007 मंगल बना, तो डेफिनेट है कि उसको न्याय मिलेगा, उस इंसान का मंगल स्ट्रांग है, उसको न्याय मिलेगा। दूसरी बात 28/4/2007, तो यहाँ पे चार राहु भी आ गया, इसका मतलब राहु का बेनिफिट भी मिलेगा, 8 नंबर शनि का बेनिफिट भी मिलेगा, 8/2/10 हो गया 28 नंबर का, 10 नंबर मतलब कि सूर्य से लाभ होगा, मतलब सरकार से लाभ होगा, और हुआ भी RTI एक्ट के अंतर्गत जो है उसको वो सूचना मिले और घर बैठे बैठाए उसकी प्रॉपर्टी के कागज उसके मिले, जो कि उसके छोटे भाई बहन और माँ मिल करके कह रहे थे कि यहाँ पर इसका कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसको घर बैठे बैठाए RTI एक्ट के अंतर्गत राज कृपा से उसको कागज मिले। अब देखिए आगे, यहाँ पर जब हम इसका टोटल करते हैं 28/7 तो बन जाता है 35। 35 में क्या है, 3 बृहस्पति और 5 बुध, इसका मतलब बुध बुद्धि बल से वह इंसान अपनी विजयश्री पालेगा, अपना अधिकार
ले लेगा। फिर से 5 और 3 8, बृहस्पति भी सपोर्ट कर रहे हैं। बृहस्पति क्या है? घर परिवार जमीन जायदाद ऐश्वर्य सुख समृद्धि देने वाले, बृहस्पति दिलवाएंगे। उसके बाद में 5 और 3 8, फिर से शनि आए, शनि न्याय करेंगे, न्याय के ग्रह हैं, करेंगे। उसके बाद में आप देखिए कि उसका जो टोटल बन जा रहा है यहाँ पर आकर के, अगर आप देखते हैं, और स्पेशली 7 नंबर भी आ गया इसमें, जो कि केतु भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया। इस प्रकार से आप देखिए कि यह जो डेट है इसमें जिस दिन ये एप्लीकेशन गई इसमें सब कुछ है, सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति शनि मंगल, और क्या चाहिए, बृहस्पति बुध सभी ग्रहों का सपोर्ट मिल गया, तो मतलब उस जातक के साथ न्याय होगा। अब दूसरी बात, जो डेट है जिस दिन आरटीआई का उसको लेटर मिला वह डेट है 22/2/2007, वह भी 2007 मतलब कि 9 मंगल, और 22 का मतलब 4 2+2, और 22 में 22 फरवरी, तो मतलब 3 बार चंद्रमा उस डेट पे, इसका मतलब मन और बूस्ट हुआ। नेचुरल है, जब आरटीआई के अंतर्गत घर बैठे बैठाए इंसान को, जिसको कि ये लग रहा था कि कुछ नहीं है तेरा, उसको बैठे बैठाए घर में मिल गई प्रॉपर्टी के कागज, मन और मजबूत हुआ। 3 बार चंद्रमा, फिर 22 तारीख मतलब 4 मतलब राहु, मतलब राहु आ गए अपने सपोर्ट में, पराक्रम आ गया पूरी तरह से। फिर टोटल जब हम करते हैं तो ये टोटल बनता है 9 नंबर फिर से मंगल, ठीक है, और 22 और 7 को जोड़ते हैं, 2007 का जो 7 है उसको हम जोड़ते हैं तो बन जाता है 11, तो फिर से जो है बना 2 नंबर बना। तो जो लोग लोशव ग्रिड जो है फॉलो करते हैं उनको बहुत आनंद आएगा इस दोनों डेट ऑफ बर्थ को लोशव ग्रिड बनाने में, आनंदम बहुत इंजॉय करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से जो है जो डेट्स हैं वह भी जातक को सपोर्ट कर रही हैं कि जो उसकी भूमि है, जो उसके साथ छलवल धोखा हुआ वह उसको वापस मिलेगा पराक्रम से, मंगल की कृपा से और राहु की कृपा से, और सारे ग्रह जो है उसके फेवर में है, और उससे जातक को न्याय मिलेगा, और यह सब ज्योतिष है, और जल्दी ही आप देखिएगा कि पार्टीशन होगा और उस जातक को अपना हिस्सा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।